तो प्रीति से मिलियो। ओह नो, मेरा इंटर्न टूर से ना कुछ नहीं होने वाला है। देख पता नहीं किस किस बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं पागल आदमी। बस में कर दिया मुझे। एवरीवन कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घर पे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। और मैं जिम्स का स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने चैनल जिम्स क्लास पे। भाई लोग आज जो है ना बड़ा ही जबरदस्त आइडिया मेरे दिमाग में आया है। आज मैं ऑफिस से आते टाइम एक ऑटो के पीछे पड़ रहा था। मन चाहा तंत्र मंत्र, मन चाहा वशीकरण, स्वतंत्र से छुटकारा, प्रेम विवाह 2 मिनट में कराएंगे, पता नहीं कैसी फास्ट सर्विस है, आई डोंट नो। तो उसी सबको मद्देनजर रखते हुए मेरे मन में एक आइडिया आया, क्यों ना भाई सुरजीत आज अपनी बीवी के हाथ में, पैरों में, गले में, कुछ उंगली में ऐसा पहना दिया जाए जिसके बाद उसको वश में किया जा सके। ऐसा फर्जी है, फेक है, बढ़िया। आपको और मुझे पता है, अभी इंट्रो देख रहे हो ना आप, इसलिए आपको और मुझे पता भी, बट हमारी बीवी को तो नहीं पता ना। oh, no. कि हमने उसके हाथ में जो धागा बांधा है वो एक मंत्रित धागा है जिससे हम हमारी बीवी को वश में कर सकते हैं। ऐसा मैं उसको सुनाऊंगा और वो सुनेगी, ठीक है? और वीडियो के अंदर यार बहुत मजा आएगा। तो वीडियो में आगे जाने से पहले ना फटाफट लाइक कर दो, फिर आगे का वीडियो देखना। तो आप प्रॉमिस करो फिर आगे का वीडियो देखो लाइक करने के बाद, तो फटाफट से लाइक करो। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि मेरी बाकी के वीडियो उसके नोटिफिकेशन आप लोगों को ऐसे ही मिलते रहे और ऐसे ही आप मुझे आगे बढ़ाते रहो, मैं आपको हंसाता रहूं। 2 लाख होने वाले हैं, जल्दी से अपना अपना क्या कहते हैं उसको कंट्रीब्यूशन, जल्दी से अपना अपना कंट्रीब्यूशन डाल दो और आओ प्लानिंग कर लें। हम जरा हमारे कैमरा सेटअप वगैरह फिक्स कर लें ताकि आपकी परजाई जी का जबरदस्त पकड़ा काटा जा सके। कल उन्होंने बहुत भयंकर काटा मेरा, आज मेरी बारी है। A few moments later. Bonk. क्या कर रही है? पायल है ना इसमें ना। आई ये पायल आयल इन सब पे ध्यान मत दिया कर, ऑलरेडी इतनी सुंदर है, नजर नजर लग जाएगी खाली बिल में। पंक नजर से याद आया, अरे यार मैं तो ऋषिकेश से लाया था तेरे लिए पढ़वा के। अरे पंडित जी से पढ़वा के लाया था ऋषिकेश में, मगर ये हमारी बीवी है बहुत सुंदर सी प्यारी सी, उसको नजर लगती रहती है। घर में चप्पलें खत्म हो गई है, नजर उतार दो उतार दे, कुछ ऐसा दे दो कि नजर ना लगा करे। अरे बेटा ये ले जाओ, उसको कभी नजर नहीं लगेगी, उसकी खूबसूरती में हमेशा 4 चांद बने रहेंगे। मान के रखिए उसको हमेशा, ठीक है? ठीक आ रहा है? टाइट तो नहीं है? पंक ये ठीक तो आ रहा है, पर ये कैसा फील हो रहा है तेरे को? नहीं लगेगी भाई, सीरियसली पढ़वा के लाया पड़े जी से। जबानी लेके एक गिलास पानी ले गया, एक गिलास, प्यास लग रही है, पानी भी रखा हुआ है। उबाइए चली की वही, ये तो कहती थी बच्चों से बोतल मंगा लो, ये धागा से ही मैं काम कर रहा है क्या? ओ भाई कसम से कह रहा हूँ, ये यूँ कहती थी बच्चों से बोतल मंगा लो, धागा सही में काम कर रहा है क्या? कह रहे मैं दूसरा पट। हेलो पंडित जी। पंक अरे पंडित जी धागा तो मैंने बांध दिया उसके, वो कहाँ भी मान रही है, धागा बांधते ही मैंने उससे कहीं पानी लिया,
पंक फट गई भागी भागी। ये देख मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा इतनी जल्दी थोड़ा काम हो जाएगा, इतनी जल्दी कैसे वश में आ जाएगी ऐसी घोड़ी है बेचैन, इतनी जल्दी वश में नहीं आई। आप कह रहे तो दो एक ट्राई और ले लेता हूँ, देखता हूँ मानती नहीं मानती है। Oh, no! अरे तुम्हारे 5100 पक्के हैं अगर मान गई तो। हाँ तो दो ट्राई और लूंगा बाबा, तीन ट्राई की बात हुई थी तुम्हारी, में तीन ट्राई हो जाए, तीन बात याने मान ली तो समझ लो काम हो गया। ठीक है बाबा रखता हूँ, ठीक है। पंक कैसे प्रकट हुई है क्या, पता भी नहीं लगा इतनी जल्दी कहाँ से आ गई। पान लेने लेना पानी ये पान ले ले। क्या हुआ टाइट है क्या? नहीं टाइट नहीं। कैसा महसूस हो रहा है आपको? पंक कुछ अलग सी शक्तियां मेरे अंदर आ गई हैं। शॉपिंग कर लो इससे। पंक हाँ कर लो। सही में? सही में। अच्छा एक बात बताओ, गुस्सा तो नहीं करेगी? नहीं नहीं बोलो ना। कल तो प्रीति से मिलियो? ये अपनी जुबान पे लाए ना हकीकत। Oh, no. लाए ना। क्या हकीकत? हाँ क्या? मेरा इंटर्न टूरों से ना कुछ नहीं होने वाला है, समझ में आ गई ना? वसीकरण करोगे मेरा वसीकरण करोगे तुम। तुझे कैसे पता? मैं दूसरों को तुम्हें बस में करने वाली, मैं तुम मेरा वसीकरण करोगे। तुझे कैसे पता लगा? मेरा कुछ नहीं होने वाला इंटर्न टूरों से। देख पता नहीं किस किस बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते पागल आदमी। बस में कर लिया मुझे, मैं एक गिलास पानी ला के दे दिया तो तुमने मुझे बस में कर लिया। तुझे कैसे पता लगी? उसी बाबा ने मुझे फोन करके बताया अभी कि तेरा पति आया था। उस पे तेरा नंबर कहाँ से आया? तू लुल्लू बना रही है? तू मेरा चुप बना रहे वो कुछ नहीं। क्या हो गया यार, मैं तेरे लाल नजर लग जाती है इसलिए तेरे लाया हूँ मैं यार। नहीं किस अभी तुम ये किस लिए, नजर के लिए लाए हो या मुझे वश में करने के लिए लाए हो? बस में हो गई मैं तुम्हारे, एटीएम कार्ड भी मिल गया तुम्हें तो, पानी का गिलास दे दिया मैंने। प्रीति वाली बात साबित नहीं हुई, वो गलत साबित हो गई ना, वो पंडित गलत हो गया। साले के क्या उन सुना तुमने? पंक दो तो बात सही हुई है इसके, दो एक 2% तो दो उसका, पानी ला के दिया और तुम्हें एटीएम कार्ड दिया। 5100 मत दो, 1100 तो दे दो उसको। बातें सुन दी थी क्या मेरी? पंक कब जाएगी तेरी गंदी आदत बातें सुनने की? मेरे को वश में करने चले, सुन तो ले यार। मेरे को वश में करने चले थे। अरे मैं ट्राई कर रहा था, बहुत बढ़िया पंडित है वो, उधर बोर्ड लगा हुआ था, स्वतंत्र से छुटकारा, मनचाहा वशीकरण, प्रेम विवाह में अड़चन। स्वतंत्र जब मेरी है इनको से छुटकारा कैसे? किससे है क्या नहीं स्वतंत्र कोई है तो बता दो, छुटकारा लेती हूँ फिर इसी पंडित जी को बुला के, इसी पंडित जी को बुला के छुटकारा लेती हूँ फिर मैं। मैं तेरे को उसका मेनू बता रहा हूँ यार। पंक क्या क्या है उसके मेनू में? ये भी मेनू तो अपनी बीवी को वश में करो। मैं ट्राई ले रहा था कि ऐसा कुछ होगा या नहीं। तुम कैसे इन चक्करों में पड़ गए? अरे मैं चक्कर में नहीं पड़ा, मैं ट्राई ले रहा था। मैं पंडित जी से बोला था, मैं कहा पंडित जी ट्राई करूंगा अगर तीन बातें, मैं ऐसा लपेट के ना ऐसा ट्राई करूंगी ना, फिर ट्राई करने लायक नहीं रहोगे। ट्राई लेने में क्या हर्ज है, अगर चीज सक्सेस होती तो किसी और पे ट्राई करता, तेरे को मतलब मैं बता देता और खुलवा लेता। मैं देख रहा था कि भाई ये चलता है या काम करता है या नहीं करता है। करा ना काम, पानी भी ले आई,
एटीएम कार्ड दे दिया, तीसरी बात पे भंडा फूट गया साथ में का। अरे वो तो लास्ट टेस्ट था ना, अगर वो सक्सेस होता तब तो मैं मानता काम कर रहा है, पंडा साला फर्जी है, फेक है साला। तुम नहीं हो। मैंने क्या किया है? अरे बोल तो रहा हूँ, ट्राई कर रहा था सामने वाले का। इन चक्करों में पड़े कैसे? अरे वो तो बोर्ड लगा था वो। इंटांट मेरा तुमसे कुछ नहीं हुआ, इंटांट टूरो से क्या होगा मेरा? वो समझ गया मैं। क्या होगा मेरा? अरे वो फर्जी है मेरे को लगता है। वो डायरेक्ट सोए को ट्रोल ले गया आराम खोल में, एडवांस में। 5100 देने वाले थे ना भाई बेचारे को, 1100 तो दिया ना, एक गिलास पानी तो पिला दिया मैंने तुम्हें। 1100 का पानी और क्या, इन चक्करों में आदमी पड़ता है ना तो ऐसे ही लुटता चला जाता है। 1100 2100 5100 पड़ता नहीं, मैं ट्राई कर रहा। पड़ तो गए, ट्राई कर। मेरा कुछ नहीं हुआ, मेरे को कोई असर नहीं हुआ, मुझे कोई असर नहीं हुआ। तो कुछ फीलिंग पूछ रहे थे ना, फीलिंग, अब फीलिंग जाओ देखिए आदमी को कूट दो अच्छे से इन चक्करों में पड़ के ना, कि तो मेरा कल को भविष्य बिक जाएगा। और पंडित जी ये पूछो कि वो कब पागल हो रही है, कब मेंटल हो रही है, ये भी भविष्य में तो दिखवा कराओगे इस पंडित से। अरे मैं सिर्फ ट्राई कर रहा था, चीज काम करती है नहीं करती है। चोकन के छुटकारा पाने से तुम मेरा छुटकारा करोगे, मेरी बीवी से कब छुटकारा मिलेगा, है ना प्लान? ये तो मैंने सोचा नहीं था, उधर लिखा था तो सोतन से छुटकारा, बीवी से छुटकारा। तुम बाहर निकलो। मैं क्यों बाहर निकलू? बाहर निकलो। मैं कहीं बाहर नहीं निकलना। बाहर निकलो। आए बड़े मेरा एटीएम कार्ड लेने वाले, शॉपिंग कर लो। अरे कर लो शॉपिंग, कोई बात नहीं, जो तुम्हारा वो मेरा। नहीं ऐसे कैसे, जो तेरा वो मेरा। ये आदमी तो सर पे चल रहा है, प्रीति के छत चला जाऊं। तो अपने आप को ना ज्यादा बन के मत दिखा, ठीक है ना? तो ये तंत्र मंत्र असली था, और ना तू इतनी बड़ी वो सिद्ध पुरुष है जो इन तंत्र मंत्र के वश में नहीं आएगी। नहीं आऊंगी। ये नकली था, ये नकली था, पर ये सब कुछ नकली था। और तू जो बाहर खड़े बात सुन रही है ना, वो सुन नहीं रही है, मैं सुना रहा हूँ तुझे। बाहर भी कैमरा लगा रखा है, घर में भी कैमरा लगा रखा है, मजे ले रहा था तेरे से। बढ़िया ही सिद्ध पुरुष टांटूर के बस में ना आएगी। अरे किया कहाँ अभी, मजे ले रहा था। दे वो लग रिया, और एक ये लग रिया, और देखे पीछे खड़ा दिख रहा। भाई बड़ी तुझे यहीं से देख के पीछे हो गया मैं। आओ सुनाऊं तुझे कहानी। क्या है बड़ी बड़ी फिर रही है सिद्ध पुरुष, क्या बस में करोगे मुझे? अरे लाया तो ना, ये तो नकली है। असली लाके दिखा लो, असली भी एक बार ट्राई करूंगा। असली भी एक बार ट्राई करूंगा। कर लो। फिलहाल गाइस ये नकली वाला वशीकरण आपको कैसा लगा वो जरूर बता देना। मुझे हंसी आ रही थी बीच बीच में, बट मैं कैसे तैसे कंट्रोल कर गया। एनीवेज यार आप लोगों को हंसी आई ना तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और लाइक करने के बाद चैनल पर न्यू थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरी बाकी के वीडियोस के ऐसे कर रहा हूँ तो हट जाता ना, गाल वाल लग जाएगा। हट जाओ ना, साइड हो जाओ ना, तुम क्यों नहीं हो रहे हो? ताकि मेरी बाकी के वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को ऐसे ही मिलते रहे, और ऐसे ही आप मुझे आगे बढ़ाते रहो और मैं आपको हंसाता रहूँ। सॉरी।